नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। केंद्र व प्रदेश की गलत योजनाओं के खिलाफ आज नगीना तहसील में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तथा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह के आदेशानुसार आज नगीना तहसील में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार जो अध्यादेश लागू करने जा रही है वह किसान विरोधी है। किसान किसी भी कीमत पर यह अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे। किसानों ने उप जिलाधिकारी घनश्याम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी घनश्याम वर्मा ने धरना कर रहे किसानों को आश्वासन दिया कि वह उनकी आवाज शासन तक पहुंचाएंगे और जो संभव मदद होगी वह करेंगे। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में किसानों ने कुछ वर्तमान तो कुछ भविष्य में दुष्प्रभाव से अवगत कराया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर धरना समाप्त किया। सर, ये जो आज किसानों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, पूरा क्या मामला है सर? ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इसके बैनर तले आज हमको यहाँ के तहसील अध्यक्ष पदम सिंह की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें इन्होंने कुछ वर्तमान समस्याएं इंगित की है और भविष्य में कुछ होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में इन्होंने इस ज्ञापन में उल्लेख किया है और यह ज्ञापन जो हमें प्राप्त हुआ है ये संबंधित को आज ही प्रेषित कर दिया जाएगा और हमारे स्तर पर जो भी है हम अपने किसान भाइयों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सदैव तत्पर और मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। जी, आप लोगों ने तहसील में जो आज धरना दिया है, पूरा क्या मामला है? ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में जो है ये उनके आदेशानुसार ये तीन अध्यादेश सरकार जो लागू करने जा रही है हमारे किसान विरोधी हैं तीनों, इन्हीं का विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ से जो है जन जागरूकता रैली जो है यहाँ से हमारी बाइक रैली निकलेगी और हम 13 तारीख तक सभी गांव-गांव घूम के सब लोगों को जागरूक करेंगे और 14 तारीख को हमारा सभी तहसीलों में आंदोलन होगा, सभी ज्ञापन देंगे सारे तहसीलों में और अगर नहीं सरकार इन अध्यादेशों को वापस करती है तो फिर उसकी रणनीति बनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सरदार वीएम सिंह, 260 संगठन जिनके नेतृत्व में काम करते हैं वो उनके अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और आगे भी रणनीति उन्हीं के माध्यम से उन्हीं की नीति के अनुसार बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। अगर नई अध्यादेश वापस करते हैं तो सरकार की नीति ऐसी है कि सरकार ने 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करने का वायदा करके और कर्ज माफ़ करने की बात कह करके हम लोगों से वोट लिया था और उस अपनी बात पर खरा नहीं उतरी आज तक 14 दिन के अंदर, तो क्या कई कई महीने तक गन्ने की भुगतान नहीं हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही है, इसके लिए ये आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे।